नोटबंदी के बाद पहाड़ के पर्यटन कारोबार पर असर पड़ा है। विंटर सीजन के दौरान रानीखेत में चहलकदमी कम है, इससे यहाँ का व्यापार प्रभावित हुआ है। लेकिन कारोबारियों का कहना है कि पहले के मुकाबले वो धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिन में रानीखेत एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो जाएगा। उत्तराखंड का रानीखेत इलाका पहाड़ के खूबसूरत डेस्टिनेशन में शुमार है, जहां हसीन वादियां और खूबसूरत पहाड़ सैलानियों को खासा आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि यहां खास तौर से विंटर सीजन में देसी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई देती है। लेकिन नोटबंदी के बाद कैश की क्राइसिस के चलते इस बार सैलानियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। हालांकि जो सैलानी पहुंच रहे हैं उन्हें भी छोटी करेंसी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। सैलानियों का कहना है कि पहाड़ों में अभी कैशलेस सिस्टम बेहतर होने में वक्त लगेगा, तब तक लोगों को परेशानी होनी लाजमी है। हालांकि सैलानियों ने आने वाले दिनों में बेहतरी की भी उम्मीद जताई है। कैश की थोड़ी बहुत दिक्कत है, अगर हम प्री प्लान किसी चीज को करते हैं और अपनी कंट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे टूर है, मैंने पहले से प्री प्लान किया हुआ है, इतने कैश की जरूरत है तो मैनेज हो गया है। सर वैसे सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की कैश को लेके काफी प्रॉब्लम है जो सोल्व नहीं हो रही है। एक तो कैश में 2000 का नोट निकल रहा है, शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, मैं उनमें से हूँ जिनमें बटवा हल्का रखना पसंद करते हैं, जे मोटी अच्छी नहीं लगती। तो 50-100 रुपए टूटे हों, बाकी कार्ड से काम चल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। सैलानियों की संख्या में आई कमी का असर यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ रहा है। व्यापारियों के मुताबिक उनके कारोबार में करीब 30% तक गिरावट आई है। पैसे की परेशानी के चलते सैलानी कम खर्च कर रहे हैं, जिससे रोजी रोटी चला पाना मुश्किल हो रहा है। कई जगह लोगों ने हमें ये भी ऑफर दिया कि आप लोग हमें चेक दे दीजिए और हमसे कैश पैसा ले जाइए कैश में, तो ऐसा भी यहाँ चल जाता है। क्योंकि छोटी जगह है तो इतनी मुश्किलें नहीं आई और अब धीरे धीरे कारोबार फिर से ऊपर चढ़ रहा है। बिजनेस में हमारा 25-30% गिरावट आ गई है और आगे भी लग रहा मुझे अभी इस मंथ में भी पूरा रहेगा, आने वाले समय में ठीक ही रहेगा, आगे जो करेंगे ठीक है मोदी जी। असल में विंटर सीजन के शुरू होते ही पहाड़ सैलानियों से गुलजार नजर आता है, लेकिन इस बार पहाड़ के खूबसूरत डेस्टिनेशन सूने नजर आ रहे हैं। हालांकि व्यापारियों ने आने वाले दिनों में बेहतरी की उम्मीद जताई है। उनके मुताबिक नोटबंदी के एक महीने के बाद कारोबार धीरे धीरे संभल रहा है। ऐसे में व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहां रौनक वापस लौट आएगी। अल्मोड़ा से देवेंद्र बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार लोगों की रोजी रोटी का एक बड़ा जरिया है, लेकिन प्राकृतिक रूप से सुंदर इलाकों की अनदेखी होने पर पहाड़ों पर ये जो कारोबार है रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। रुद्रप्रयाग का बधाड़ी ताल का इलाका भी उपेक्षा के चलते विकसित नहीं हो पाया, इससे इलाका अभी भी बाहरी लोगों की नजरों से दूर हो गया। मध्य हिमालय में दर्जनों सुंदर प्राकृतिक नजारों वाले डेस्टिनेशन है, लेकिन रुद्रप्रयाग के बांगर पट्टी की बात कुछ और ही है। यहाँ बधाड़ी ताल के रूप में प्रकृति ने एक ऐसा तोहफा दिया है जिसे देखकर लोग सम्मोहित हो जाते हैं। दरअसल इस ताल में रंग बिरंगी मछलियाँ हैं जिनका शिकार नहीं किया जाता है, जिससे मछलियों की बड़ी तादाद एक ही जगह पर नजर आती है। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और वहाँ जो तालाब है उसमें मछलियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। तो हमने फिशरी डिपार्टमेंट के जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसर है उनसे बात की है और हमने उनको शिफ्ट करने की बात की है, तो उन्होंने कहा कि एक प्लान बना के हमें देंगे कि वहाँ से मछलियाँ निकाल के कुछ और जगह शिफ्ट की जाएगी ताकि वहाँ कोई इस तरह की बीमारी ना फैले। बांगरपट्टी के लोगों का कहना है कि ताल के संरक्षण के अभाव में इसका जल स्तर गिरते जा रहा है, वहीं ताल में साल दर साल गंदगी भी बढ़ती जा रही है और मछलियों के लिए भोजन की कमी के चलते ताल में ही मछलियां भी मर रही हैं। लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद ना तो अधिकारी और ना ही नेता सुध लेने को तैयार है। सब घोषणा करके चले जाते हैं और यहाँ पर कोई कार्य भी नहीं हुआ अभी तक शासन और प्रशासन की ओर से। बधाड़ी ताल में कोई विकास नहीं हो पाया, जैसे मछली सीमित जलराशि में रहेगी तो उसकी ग्रोथ में भी फर्क पड़ता है। अगर उसमें हम जो है मछली की संख्या कम करेंगे तो जो है उनकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी और जो है जो मछलियाँ मर रही हैं वो भी मरने से बच जाएंगी।